सलाम अलैकुम। तो भैया वैलोरेंट वालों ने एक दफ़ा फिर से एक एक्टिव और ना डेड होने वाली गेम, मतलब कि भाई ऐसी गेम जो फुल एक्टिव है और उसके डेवलपर्स ने दोबारा से शो कर दिया कि भाई हाँ हम लोग जीते जागते हैं, ठीक है। उन्होंने एक और अपडेट में नया मैप डाल दिया भाई, और ये मैप मैंने खेला है, मुझे बहुत मज़ा आया, यकीन करो मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगा ये। और एक थोड़ा सा जो है ना काफ़ी फाइट में बहुत चेंज मैप देखने को मिलेगा, जिस तरह के वो टीम डेथ मैच के मैप्स थे उस टाइप का थोड़ा सा ये मुझे मैप देखने को मिला है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पॉन हुए हैं अपने डिफेंडर स्पॉन पे, कोई इन्होंने तो बर्बादी दिखाई है भाई। ये बर्बादी से जो है ना बड़ा इनका लिंक है, और ये कोई ग्रेविटी नहीं है इस जगह पे, कोई इन्होंने जो है ना कोई टेक्निक लड़ाई हो गई इधर। मैंने अभी इसकी वीडियो शेयर नहीं देखी है, मैं खुद एक जो है सर्वे वीडियो ही बना रहा हूँ, मैं मैप में फिरना चाह रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे एक ऐसा शहर लग रहा है जो मेरे ख्याल से जिसके शहरी वहरी ख़त्म हो चुके हैं, और ये गाड़ियाँ चाड़ियाँ इधर पार्क हुई हैं, कुछ गाड़ियाँ गिरी हुई हैं, और यहाँ पे जो है एक शोरूम सा बना हुआ है, ठीक है। और इसकी भी मेरे ख्याल को प्रमोशन लग रही है मुझे। तो यहाँ पे भी एक बड़ी पुराने ज़माने की गाड़ी खड़ी हुई है ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। और ये जो है तैयार होने के लिए खड़ी हुई हैं, ये हमारे डिफेंडर स्पॉन है। हम यहाँ से चलते हैं बी की तरफ। तो भाई ये बी की एक पहली एंट्री है जो राइट साइड से, ओके एक एंट्री नहीं है। हम यहाँ से भी मिड से भी बी जा सकते हैं, बी का एक ये रास्ता भी है, एक ये रास्ता भी है, तो एक लॉन्ग भी है एक शॉर्ट भी है। ये हमारी साइट है, हम इर्द गिर्द प्लांट कर सकते हैं, और ये जो है इधर हम प्लांट नहीं कर सकते। अच्छा शहर चलता है, घर भी हैं, और ये देखो बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं, और कई पूरे जो है इन्होंने पहाड़ वगैरह बनाए हुए हैं, और इस थोड़े से एरिया की बाउंड्रीज हैं, कोई पार्किंग एरिया है, और क्या इन्होंने मैप बनाया यार शहर के अंदर। तो भाई ये बी की एंट्री है, यहाँ से जो है काफ़ी फाइट हो सकती है मज़े की, और ये गोली क्रॉस नहीं हो रही इधर से, ये काफ़ी अच्छा कवर मिलेगा आपको यहाँ पे। अटैकर साहब इधर से आएंगे, और अटैकर साहब के पास बी पे आने का एक ही रास्ता है मिट के अलावा, बी एक ही है, बी मेन, और दूसरा जो रास्ता है बी जाने का वो मिट से है। तो जी बी तो हमने देख लिया, अब हम यहाँ से आते हैं मिट पे। मिट का ये सीन है कि भाई यहाँ पे बड़े प्यारी जो है इन्होंने एक पिलर दिया हुआ है, ठीक है। इसके पीछे कवर है एक, जहाँ से आप कोई भी एंगल होल्ड कर सकते हो बैठ के, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ से आप बी की तरफ जा सकते हो। बी की तरफ जाते हुए भी दो रास्ते हैं, एक सिटी साइड है और एक साइड की तरफ है, ठीक है। साइड की तरफ है उसमें मोस्टली फाइट्स हुआ करेंगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यहाँ से एक बंदा कवर देगा, एक बंदा वहाँ से आएगा, तो बड़े अच्छे लाइनअप्स हो सकते हैं इस मैप के। उसके अलावा सिटी से भी कोई बंदा मिड को देख सकता है बी वाली साइड से, मतलब कि काफ़ी अलग अलग और नए एंगल और नई किस्म का मैप बना है। पहले भी ऐसा नहीं होता, वैलोरेंट हमेशा नए मैप ऐसे ही बनाता है कि हर मैप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मतलब कि कोई मैप उस तरह का नहीं होता कि भाई हाँ ये सन जैसा था, नहीं नहीं ये हेवन जैसा बना दिया। सब मैप में वैलोरेंट हमेशा अलग किस्म की तब्दीली लाता है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मैप होते हैं। तो यहाँ से अटैकर्स घुसेंगे, और ये उनके पास साइट है प्लांट करने के लिए, और ये अटैकर्स के डिफेंडर्स के पास जो है काफ़ी अच्छी पीक्स हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन होंगी होल्ड करने के लिए। ये तो हो गया हमारा बी, चलो भैया हम चलते हैं ए की तरफ। तो ये अटैकर साहब यहाँ से बी की तरफ, तो मैंने आपको दिखा दिया था किस तरह जाएंगे बी की तरफ के, एक ये रास्ता है और एक मिड से रास्ता है, मिड पे काफ़ी अच्छी अच्छी फाइट्स हो सकती हैं। अब हम यहाँ से आते हैं ए की तरफ, और ये मिड का रास्ता है, मिड को एंड पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि क्या है मिड। अब हम यहाँ से ए की तरफ चलते हैं। ए पे आने के लिए उन्होंने दो रास्ते दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे बी पे था एक रास्ता था और दूसरा मिड से आना पड़ता था, लेकिन ए में आपको दो रास्ते अटैक वालों को आने के लिए मिल रहे हैं, और तीसरा रास्ता जो है मिड की तरफ से आ सकते हैं। मतलब कि बी की तरफ जाने का एक रास्ता है और ए की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। तो ए पे अटैक करने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो एक भोला भोला भोले की पान शॉप भी है इधर भाई, भोले की पान शॉप यार, मतलब भोले की पान शॉप देख सकते हो आप यहाँ पे। भोला इतना मशहूर हो गया कि भोले ने यहाँ पे पान शॉप खोल ली आके, भाई देखो वैलोरेंट में आके। तो भाई ये हम आ गए हैं ए वाली सच जगह पे, ए की एंट्री पे। ये मैप में एल्बो शो करवा रहे हैं, और दूसरा वाला ए मेन है, ठीक है। इसके अलावा ये हमेशा में मिलता है कॉशन इसका। यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पर भी एक डिफेंडर बैठ सकता है छुप के, ठीक है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ से हम एक ही तरफ एंटर होते हैं, और ये सारा सिटी का एरिया है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जो है डिफेंडर्स को अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अटैकर ये ऐसा नहीं है, वन साइडेड मैप है, काफ़ी अच्छा मैप लगा मुझे। और ये कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह इन्होंने थोड़ा सा जो है ना साइट का वो दिया हुआ है, और सीएस की तरह के बीच में जो है ये इसके इर्द-गिर्द गोली नहीं जा रही, डब्बों में से गोलियाँ नहीं गुजर रही, तो इधर बैठ के भी आराम से प्लांट कर सकता है। उसके अलावा जो ए मेन है, ए मेन का रास्ता आता है इधर से,
जैसे ही अटैकर्स आते हैं तो जी ये है ए मेन का रास्ता, यहाँ से डायरेक्ट जो है हम ए साइट में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम चलते हैं मिड पे, कि मिड कैसा दिखता है। तो भाई ये हम मिड की तरफ आ गए हैं, सही है, डिफेंडर्स की तरफ से ये मिड है, थोड़ा सा ऊपर है ये, ठीक है। कुछ सीढ़ियाँ हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप हैं इधर, ठीक है, और 7 स्टेप का फ़र्क है। और इधर एक दरवाज़ा भी है खुल बंद होने वाला, ये दरवाज़ा हम देखते हैं किधर है। ओके, ये मिड और बी के दरमियान में, मिड और बी के दरमियान में एक दरवाज़ा भी है, ज़बरदस्त। मिड में जो है, मिड काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है इन्होंने, काफ़ी मज़े का मिड भी है। इसी तरह का बना हुआ है कि जैसे कोई साइट होती है, ऐसे लग रहा है ये भी एक प्लांटिंग साइट है, लेकिन ये प्लांटिंग साइट नहीं है भाई, प्लांट करने के लिए नहीं है ये खाली मिड है, ठीक है। और ये मैप का मिड है, और ये हमारे पास जो है ए और बी से आने के कनेक्टर्स हैं, बी वाले इधर से आएंगे और ए वाले उधर से आएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा मिड है, और भैया जी दुकानें शुकानें बनी हुई हैं इधर, पोले ने तो अपनी दुकान बना ली है, पबजी में भी अपने वॉइस लाइन्स दे दिए थे भाई, पोले का तो नाम है। देखो तुम भी जो है ना, किस वैलू वालों को जाके जल्दी से कॉन्टेक्ट करो, उनको कहो कि भाई केजे भाई की भी दुकान बनाए जाके, क्या कर रहे हो, पोले की दुकान बना दी है तुमने, सही है ना भाई। तुम कहोगे तो उन्हें पता लगेगा ना कि यार मैप डिस्कवर कर रहा है तुम्हारा भाई बैठ के इधर। अब लाइनअप्स बनाएंगे लोग इधर, अब लाइनअप्स आएंगे इधर नए नए, हर एजेंट के लाइनअप आएंगे, जैसे एजेंट के लाइनअप बनते हैं हर मैप के हिसाब से। तो भाई ब्रीज को भी इन्होंने पकड़ के बिल्कुल चेंज कर दिया इस अपडेट में, और पता नहीं किस किस मैप को चेंज किया मैंने अभी, और नहीं खेले ज़्यादा मैप ने, लेकिन ब्रीज खेला था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। मैं जाके गूगल पे देखता हूँ कि क्या क्या चेंजिंग है, उस मैप के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर तुमने ब्रीज़ वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, इन दोनों वीडियोज़ को मैं एक साथ अपलोड करूँगा। तो भाई दोनों वीडियोज़ देखो, इन्जॉय मारो, मज़ा करो भाई, के साथ गेमें खेलो आके, मज़े मज़े की स्ट्रीम्स पर हमने वो हम गेमें खेल रहे होते हैं, ठीक है। और आपका भाई अब रोज़ रैप्टर पर दोपहर के टाइम स्ट्रीम किया करेगा, कोई 11-12 बजे या उससे पहले से, या 12 बजे से कह लो, 12 बजे से लेकर शाम तक स्ट्रीम हुआ करेगी raptor.gg पे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में होगा, और यहाँ पे आई बटन में भी होगा, ठीक है। तो उसको जाके आप मुझे फॉलो कर लो उधर raptor.gg पे भाई, नई चीज़ों को प्रमोट किया करो, कोई नया प्लेटफॉर्म आता है, कोई नई चीज़ आती है पाकिस्तान में, उसको अप्रिशिएट किया करो, उसको प्रमोट किया करो, ठीक है। भाई को जाके फॉलो करो, रोज़ना स्ट्रीम हुआ करेगी, ठीक है। मिलते हैं raptor.gg की एक स्ट्रीम में, अल्लाह हाफिज़।